पूरे ब्लॉक में आज बने रहना, क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग एंड बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। आज आप मेरे पूरे दिन का काम देखेंगे इस वीडियो में, एंड प्लीज ब्लॉग को पूरा वॉच करना। रेयरली तो मैं ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन सोचा कि आज ब्लॉग बनाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। ओके सो ये मैं एंटर कर रही हूँ, ये है वो वेन्यू जहाँ पे हम लोग पूरा दिन रहने वाले हैं। ओके सो स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं एंटर कर रही हूँ, स्टार्टिंग से ये मैं एक एक शॉप और एक एक स्टॉल दिखाऊंगी। वैसे ये एग्जीबिशन है जहाँ पे हम लोगों का भी दो स्टॉल है, और यहाँ पे कई सारे स्टॉल्स हैं जो कुछ बनारस से, कोलकाता से, दिल्ली से, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आए हैं, और कुछ कुछ लोकल हैं। अलग अलग स्टॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी देखने को मिले हैं। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स लगे भी हैं, जो मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स परचेस भी किया है, और आगे इस व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या परचेस किया है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे भी करना चाहिए। सो हमारे दो स्टॉल्स हैं, राखी के और एक कपड़ों के हैं, जो मुझे अपना स्टॉल थोड़ा सा वेल मेंटेन नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि स्टॉल थोड़ा और प्रेजेंटेबल लग सकता। कई सारी चीजें हम लोगों को वहीं पे प्रोवाइड होना चाहिए, लाइक हैंगर, एक अच्छा हैंगर। मुझे वहाँ का हैंगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, और गारमेंट जो होता है स्टैंड, वो भी नहीं मुझे हम लोगों का। स्टॉल काफी ज्यादा वेल मेंटेन मुझे बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा और प्रेजेंटेबल हो सकता था, फिर भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, अपने लोगों ने काम पे ध्यान दिया, कस्टमर्स पे ध्यान दिया। तो अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, जिस स्टॉल पर मैं हूँ अभी मार्केट स्टॉल है, यहाँ पर है सामने एक स्टॉल है, ये रहे कुछ कस्टमाइज राखी है, काफ़ी सारे बुटीक्स हैं, लाइक यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल हैं हमारे यहाँ, और मैं यहाँ हूँ, बहुत सही लग रहा है, चेयर पे हूँ मैं बैठी हुई हूँ। ये इयररिंग मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ये इयररिंग मुझे बहुत अच्छे लगे, जो मैंने इस शॉप से अभी पढ़ा। यहाँ पे कई सारे क्ले वाले शॉप बहुत सारे, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने यहाँ से ये वाले इयररिंग परचेज किए, बहुत ही रिजनेबल था, होंगे 50 रुपीज़, स्टार्टिंग इनकी 40 रुपीज़। से कितना कुछ डिफरेंट बन जाता है, मैं ऑनलाइन भी देखती रहती हूँ कि क्ले से लोग बहुत कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ें बना लेते हैं। मैंने भी ट्राई किया बट मुझसे हुआ नहीं, क्योंकि कपड़ों के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता है। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पैर में मुझे बहुत दर्द होने लगा, तो मैं थोड़ा रेस्ट ले ली, और मुझे भूख भी बहुत तेज से लगी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उतने ज़्यादा कस्टमर उस टाइम नहीं आ रहे थे, और मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। बाद में थोड़ा सा चिल किया, वीडियोज़ बनाया, थोड़ा पिक्चर्स लिया, देन कस्टमर आने स्टार्ट हुए, क्योंकि इवनिंग होने लगा, इवनिंग के टाइम पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग गैदरिंग बढ़ने लगी, थोड़ा ब्रेक लेकर काम करना सही लगता है, मुझे सही लगा और सही गया। टाइम बहुत अच्छा था, मतलब मुझे बहुत मज़ा भी आया था। जब आप अपने एग्जीबिशन करते हो तो आपके बहुत सारे कांटेक्ट भी बनते हैं, और बहुत कुछ पता भी चलता है मार्केट में लोगों को क्या चाहिए। मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारा टेबल और ज़्यादा डेकोरेटिव हो सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं ऑर्गेनाइज़र की वजह से। अब मैं बस खाने का वेट कर रही हूँ, जल्दी से मैं लंच करूँ, फिर मैं अपने सैर पर निकलूँगी। चलो लंच आ गया, अब इसको खाऊंगी, इसके बाद थोड़ा सा मुझे रिलीफ होगा। काफ़ी टाइम से मैं अट्रैक्ट हो रही थी, क्योंकि बाजू वाले जितने भी टेबल्स थे, जितने भी स्टॉल्स थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने अपने स्टॉल से थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैं वहाँ गई। मैंने देखा कितना कुछ इंटरेस्टिंग था, काफ़ी कुछ कलरफुल था, नेक पीसेस थे, काफ़ी डेकोरेटिव पार्ट थे, बहुत सारे डेकोर के सामान थे, हैंड बैग्स, बहुत कुछ, क्योंकि ये जो भी स्टॉल्स थे ये यहाँ के नहीं थे। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, थोड़ी बार बात करके मैंने थोड़ा उनसे आइडिया भी लिया, मैंने बताया कि हमारा भी यहाँ स्टॉल है। ओके सो अब हम लोग वाइंड अप करके यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि अब टाइमिंग सेट था कि इतने बजे हम सभी को निकलना है, तो अभी लोग जा रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर नहीं किया, क्योंकि अब मैं कवर करूँगी तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि कैमरा संभालना और सब कुछ एक साथ मैनेज करना बहुत टफ होता है।
फिर भी मैंने पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको सारा कंप्लीट व्यू दिखाऊं। हाँ थोड़ा कम है, लेकिन और भी बहुत कुछ दिखा सकती थी, लेकिन काम के लोड से मैंने कुछ कुछ चीजें ही कवर कर पाई है। ओके सो ये आ गया एग्जिट पॉइंट, अब हम लोग निकल रहे हैं। रात बहुत हो गई है, जाऊंगी खाऊंगी सोऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के पूरा ट्राई करूंगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।